और अप्रैल 2020 वो वक्त जब LAC पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे। उस भिड़ंत का असर ये हुआ कि पिछले 4 साल से दोनों देश सरहद पर एक दूसरे को ललकारने में जुटे रहे। भारत चाहता था कि LAC पर जैसी स्थिति थी वैसी ही दोबारा हो जाए। 4 साल के बाद ब्रिक्स समिट में हुए अग्रीमेंट के बाद अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। इंडियन आर्मी के सूत्र बता रहे हैं कि 28 से 29 अक्टूबर तक दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी। दोनों सेनाएं उस पॉइंट तक पीछे जाएंगी जहां वो अप्रैल 2020 में मौजूद थी, और अप्रैल 2020 में जहां तक पेट्रोलिंग होती थी अब वहीं तक पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिक जब जब पेट्रोलिंग करने आएंगे तब तब वो एक दूसरे देश को इन्फॉर्म करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि LAC पर गलवान घाटी जैसी झड़प दोबारा ना हो। हालांकि ये अग्रीमेंट सिर्फ 2 पेट्रोलिंग पॉइंट के लिए मान्य होगा। ये पॉइंट है डेमचोक और देपसांग। ये वो पॉइंट है जहां चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अग्रीमेंट के बाद अब वो पीछे हट रहा है। लद्दाख के स्थानीय लोग मानते हैं कि भारत की बदलती छवि ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। देपसांग और डेमचोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो अग्रीमेंट सिर्फ पूर्वी लद्दाख के 2 पॉइंट्स के लिए हुआ है, बाकी के विवादित इलाके अभी भी जस के तस बने रहेंगे। हालांकि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला रहेगा। बाकी क्षेत्रों के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती रहेंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।